ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत कृषि सहकारी सभा पलोड़ा में हो रही अनियमितताओं के चलते उनकी कार्यप्रणाली आरोपों से घिर गई है। सभा के सेल्समैन सुंदर सिंह सहित गांववासियों ने सभा के प्रधान व सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मौजूद प्रबंधक कमेटी को भंग करने व सभा में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने की मांग उठाई है। सभा के सेल्समैन सुंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि सभा के कई लोगों को फर्जी राशन कार्डों पर राशन दिया जा रहा है, जिसका खुलासा उसने किया है। वहीं सभा प्रबंधक कमेटी द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं को उजागर किया है, जिससे प्रबंधक कमेटी उसे प्रताड़ित कर रही है और उसे कई महीनों से वेतन नहीं दिया है। उन्होंने बताया है कि इस संदर्भ में विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत भी भेजी गई है। मिट्टी के तेल के टैंक जो थे वो इन्होंने बिना आम जलास की सहमति के बेच दिए। आज में इन्होंने सरिया खरीदा हुआ है जो डिपो के अंदर ही रखा हुआ है, जिसपे जंग लग चुका है। बिना लोगों के विश्वास में लिए पिछले 1.5 साल से वो अंदर ही सड़ गया है। इस समय कमेटी के प्रधान और कुछ कमेटी मेंबर अनियमितताओं के विपरीत, नियमों के विपरीत इन्होंने रख लिए हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी भी जो नियमों का पालन के विरोध में रखा गया है, क्योंकि लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही आम जलास में कोई सहमति लोगों से ली गई है। कनवल रंधावा, दिव्य पंजाब टीवी, पठानकोट।